आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल के अंदर कैलकुलेशंस, कि हाउ टू कैलकुलेट इन द पिवट टेबल। तो कैलकुलेशन में क्या है सर, कि जैसे कि हमारे कोई डेटा है और डेटा में हम जैसे कि पिवट टेबल लगाते हैं, कुछ एनालिसिस है, कैलकुलेशंस है, तो हम बाहर से करते हैं, तो पिवट टेबल अपडेट नहीं होता है। हम चाहते हैं कि पिवट टेबल हमारा उस कैलकुलेशन को करते रहे, ठीक है सर। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास डेटा है, ये डेटा है हमारे पास, हमने इसको पहले इंसर्ट करता हूं, और मैं मान लीजिए कि हमने डिपार्टमेंट यहां रख दिया और फुल नेम हमने यहां दे दिया, मान लीजिए कि सैलरी हमने यहां पे दे दिया। अब मुझे ये पता करना है कि मान लीजिए कि हमने डेटा में सबसे सबसे नीचे गया और हमने एक बजट नाम का ऐड कर दिया, कि हर एक डिपार्टमेंट का हमने बजट दे रखा है, बजट, और बजट में हमने दे दिया ये हमारा बजट। अब मुझे ये पता करना है कि बजट जो है कितना परसेंट यूज हुआ है, लेकिन बजट यहाँ आएगा नहीं। तो जनरली पिवट में कोई भी हम चेंजिंग करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं आ जाता है, लेकिन ये रिफ्रेश करने से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तो हमने डेटा में ऐड किया है, मतलब कि पिवट जो लगा था वो पूजा तक लगा था, ये नीचे एक नया आया हुआ है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ एनालाइज के ऊपर चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स, उस पे क्लिक करेंगे और फिर वापस डेटा को रीसेलेक्ट करेंगे एंड ओके, डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं ये जो 15 15 लाख है इससे बाकी सबको डिवाइड करना चाहते हैं, ताकि मुझे इसका एग्जैक्ट परसेंटेज निकले, कितना परसेंट किसने इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए यहाँ सम ऑफ सैलरी के बगल में आप जाएंगे, तो यहाँ पे फिल व्यू फिल सेटिंग करके आता है, उस पे जाइए। तो ये बाय डिफॉल्ट सम है, आप इसको छेछा मत कीजिए, इसके बगल में आप जाए शो वैल्यू एज, जहां पे नो कैलकुलेशन लिखा हुआ है। अब इस नो कैलकुलेशन को सिलेक्ट कीजिए, हमें परसेंटेज चाहिए, तो हमने परसेंटेज ऑफ डिपार्टमेंट में किसका, हमने बोला बजट का, और जैसे हम इसको ओके करेंगे आप देखेंगे कि बजट से सारा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ग्रांड टोटल, जो टोटल है उससे परसेंट निकालना, कॉलम की टोटल का परसेंटेज निकालना, रो की परसेंट निकालना, पैरेंट टोटल की परसेंटेज निकालना, डिफरेंस फ्रॉम मतलब कितना रह गया है, तो डिफरेंस के मैंने बोला बजट से डिफरेंस निकाल दो, तो इसने बजट से डिफरेंस भी निकाल लिया। वापस वैल्यू फील्ड सेटिंग में आइए, तो यहां पे आपको इसी तरह से आगे भी है डिफरेंस परसेंटेज फ्रॉम रनिंग टोटल, जैसे रनिंग टोटल आपने कर दिया तो एक रिलेटिव टोटल हो जाता है, कि आपस में ऐड करते चला जाता है। मैं सैलरी को उठा के एक बार और रखता हूं, तो आपको पता चलेगा कि 52 हजार, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इन तीनों को जोड़ते 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 एक क्यूमुलेटिव टोटल दे दिया। क्यूमुलेटिव परसेंटेज चाहिए आपको, तो वो भी आप यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में, यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ होगा ना, हाँ इस पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाए, सॉल्यू हो वैल्यू एज एंड नहीं, इसी का होगा, हाँ रनिंग टोटल को हमने परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल इन कर दिया एंड ओके। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें और भी कैलकुलेशंस हैं, एक बार आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और सबको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, जो चीज समझ में आपको नहीं आएगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है सुखदीप जी, चंदन जी, यस सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, सुन रहा हूँ सर। हाँ, तो इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, सारे जितने भी है ना सबके सब ट्राई करके देखिएगा, जो हाँ समझ जी, में नहीं आया मुझसे पूछ लीजिएगा।
ओके सर। ये तो थी आइटम की कैलकुलेशंस। अब हम बात करते हैं फील्ड की कैलकुलेशंस की। जैसे डिपार्टमेंट में हम यहाँ पे सैलरी दिया, हमने बोनस दिया और हमने ओवरटाइम दिया, तीन चीजें दिया। अब मुझे यहाँ पे इन तीनों का टोटल चाहिए। तो टोटल जो है आइटम वाइज होता है, कॉलम वाइज टोटल पिवट नहीं करता है। तो टोटल इनहैंड सैलरी निकालनी है, तो मुझे फील्ड को टोटल करना है। तो जनरली लोग पिवट के अंदर जाकर छेड़छाड़ करते हैं, हम पिवट के अंदर जाकर छेड़छाड़ करना नहीं चाहते हैं। डेटा के अंदर पिवट में ही करना चाहते हैं, डेटा में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, पिवट में ही करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड फील आएगा, मतलब कि एनालाइज में जाएंगे तो यहाँ आपको कैलकुलेटेड फील आएगा। फील आइटम सेट में उस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ टोटल, और यहाँ टोटल में मैं सैलरी को लिया प्लस किया, बोनस लिया प्लस किया, एंड ओवर टाइम लिख के प्लस कर दिया, दैट एड। ओके, यहाँ टोटल आ गया। यही नहीं, मुझे मान लीजिए टोटल का टैक्स निकालना है 15% या 18%, तो कैलकुलेटर फील्ड में जाऊंगा, टैक्स, मल्टीप्लाई बाय 18%। ठीक है, तो इसमें अब जैसे कि देखिए, इसमें जरूरी नहीं है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि आपके जितने मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। क्या इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर के अलावा हम एक्सेल फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। जैसे देखिए, डेसिमल में मुझे इसको राउंड करना है, तो यहाँ एनालाइज में आएंगे, फिल आइटम सेट में जाएंगे, और यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे राउंड टेक्स आर टेक्स के नाम से मैं करता हूँ, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ आर ओ इन राउंड, और उसके अंदर में मैं इस टेक्स को रखता हूँ और कॉमा जीरो ऐड कीजिए एंड ओके कीजिए। देखिए डेसिमल्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज की सिंपल फॉर्मूला कर सकते हैं या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं परफॉर्मेंस स्कोर को यहां रख दिया, अब मुझे इसमें स्लैब देना है कि जो 20 से नीचे किया है उसको हमें एक ये देना, इंसेंटिव देना। मान लीजिए उस डिपार्टमेंट को हमें 20 से नीचे वाले को 20,000, 20 to 50 वाले को 50,000, एंड ग्रेटर देन 50 को 1 लाख, ऐसे मुझे इंसेंटिव देना है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी यहां आप लगा सकते हैं कैलकुलेटेड फील्ड में। तो यहां पे आप लिखते हैं INC के नाम से, और यहां पे देते हैं इफ का फॉर्मूला कि इफ और परफॉर्मेंस स्कोर को इंसर्ट किया। मैंने बोला अगर लेस देन इक्वल टू, अगर 20 है तो यहां पे 20,000, फिर कॉमा दूसरा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर इसको इंसर्ट किया, और मैं बोला कि अगर लेस देन इक्वल टू 50 है तो 50,000, अदरवाइज 1 लाख, और इसको 2 बार ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, दो इफ दो ब्रैकेट क्लोज किया हमने, एंड ओके कीजिए, रिजल्ट आएगा। तो यहां पे सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को ही शो कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पे कोई टेक्स्ट वगैरह शो नहीं कर सकते, वरना इनमें आएगा। यहां पे कैलकुलेशन में जस्ट न्यूमेरिकल डेटा को भी शो कर सकते हैं। दूसरा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ग्रुपिंग बताया था जिसको हम ऐड करते थे, यहां पे हम बिना ग्रुपिंग के हम इन सबको एक जगह इकट्ठा ऐड करना चाहते हैं। तो उस केस में भी आप कैलकुलेटेड आइटम को कर सकते हैं। कैलकुलेटेड आइटम में ध्यान रखिएगा कि आपका कर्सर आइटम पे होना चाहिए, अगर कर्सर आइटम पे नहीं है तो कैलकुलेटेड आइटम आपका एक्टिवेट नहीं होगा। तो हमें कर्सर रखिए और कैलकुलेटेड आइटम पे आइए, और यहां पे मैं देता हूं मान लीजिए वेंडर, और यहां पे मैं
इनको आपस में प्लस कर लेता हूं। ठीक है, और इसको ऐड कर देता हूं। नीचे देखिए वेंडर आ जाएगा, तो नीचे भी है और ए भी है। इसको हटाना चाहते हो तो हटा सकते हैं आप, यहाँ फिल्टर में जाके इसको अनचेक कर दीजिए, अब काम जाएगा। ठीक है सर, इसका इस्तेमाल करें। दूसरा, फिल आइटम में आते हैं, तो एक सोल ऑर्डर में बताएगा आपको कि जो आइटम की कैलकुलेशन क्या कर रखा है। दूसरा, किसी ने आपको माइक्रो ये पीडीएफ की फाइल भेजी और ऐसे फील्ड आप देख रहे हो जो कि फील्ड में माने आपके डेटा फील्ड में नहीं है, इसका मतलब है कि उसने कैलकुलेशन कर रखी है। तो यहाँ लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई सीट ओपन होगी। उस नई सीट पे आपको पूरा का पूरा लिस्ट रहेगा कि किस तरह की क्या कहां पे क्या कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है सर, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा किस तरीके से अभी मिस्टर चंदन ने मेरे साथ और सुखदीप ने मेरे साथ क्लासेस लिए ऑनलाइन। आप भी चाहो तो मेरे साथ लाइव क्लासेस ले सकते हो। हम पहले तीन चार फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तीन चार डेमो क्लासेस लेके देखिए, अगर ठीक लगता है तो ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो कीजिए। डेमो लेने के लिए मैं स्क्रीन पे मेरा वेबसाइट का एड्रेस है, उस पर क्लिक कीजिए, मुझे कॉल कीजिए।